तो आज हमारी फ्रेशर्स है, ऑफकोर्स पहले पोस्टपोन हो गई, फिर लोगों का मन नहीं हुआ आने का। भाई पहले देखो जब यूनियन फ्रेशर्स पोस्टपोन कर रही थी तो लोगों का दुख भी थे, अब यूनियन कर रही थी तो अब बच्चों का मन नहीं था आने का। इतनी सीट्स का बजट है, ऊपर ये लगाने का बजट तो है बट सीट्स का बजट चला गया। फिर ये हम आया कूपन के लिए रिफ्रेशमेंट के, भीड़ देख रहे हो, भीड़ तो छोड़ा अभी तो होगी भाई, अभी तो आएगी कूपन्स वगैरह मिल रहे हैं, बट हमारे टीचर जो हमारे उसके टीचर है ना कोर्स के टीचर, वो अभी आए नहीं है कूपन वगैरह के लिए, तो हमें रिफ्रेशमेंट कूपन के लिए वेट करना पड़ेगा। बट ये है कि भाई ठीक ठाक ही हो रही है फ्रेशर्स अभी तक, तो परफॉर्मेंसेस रुक गई हैं बिकॉज ऑफ कोर्स रिफ्रेशमेंट कूपन्स के लिए भीड़ लग गई है, अब इस वजह से रोक दी है परफॉर्मेंस ताकि बच्चों का ध्यान दें। बाकी ये है कि ठीक है क्या ही मैं बताऊँ इस फ्रेशर्स के बारे में, पिछले साल मेरी फ्रेशर्स हुई थी, खैर नसीब वाले लोग होते हैं जिनको दो बार फ्रेशर्स अटेंड करने का मौका मिलता है, बट मेरा नसीब ही इतना ख़राब है, पिछले साल फ्रेशर्स हुई थी वो भी बेकार थी, इस साल फ्रेशर्स हुई है वो तो पोस्टपोन होने के बाद वो भी बेकार है, बट ये कि फ़ोटोज़ अच्छी आ जाएंगी तब दुख नहीं होगा ना, धूप नेचुरल लाइट में। भाई अभी बच्चे अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं ताकि फिर बाद में इंजॉय कर सके, डीजे का कुछ अता पता नहीं है, परफॉर्मेंसेस रोक दी गई है, क्या करें भाई, बच्चों का तो मन ही नहीं था आने का, बच्चे कह रहे हम लोग नहीं आ रहे, अब पता नहीं कैसी फ्रेशर्स होगी क्या होगा ये वो करके। मैंने कहा भाई ठीक है आ जाओ भाई, एटलीस्ट फ्रेशर्स मिल तो रही है, इतना तो है, अब अगली साल जूनियर्स आएंगे फिर हमको लगेगा उनकी फ्रेशर्स देख के कि यार हमें नहीं मिली, फिर हम कंप्लेंट करेंगे, अभी आ नहीं रहे फिर बाद में रिग्रेट भी होगा, तो मैंने कहा भाई आ जाओ ऐसे नहीं जाओ, आना तो चाहिए भाई, नाम की सही फ्रेशर्स तो होगी, लिख तो देंगे फ्रेशर्स 2023। अपना स्पेक्स उतार देने चाहिए, मुझे ना याद नहीं रहता कि मुझे अपने स्पेक्स उतारने चाहिए। बोलो आप बोलो। मैं बोल रही थी अच्छी नहीं भाई, इतनी अच्छी लग रही है चुईया। मैं बोल रही थी कि हमारे रिफ्रेशमेंट के कूपन आ गए हैं, मैंने इसको बोला कि लिस्ट खोल दे, कहती मैं क्यों खोलूं भाई, मुझे आलस आता है, मुझे तो खुद दूसरे बच्चों ने खोल के बताई है लिस्ट। रिफ्रेशमेंट व्हाट इज दिस, क्या होता है ये, बच्चे भूखे मर जाओ, चिप्स मांग रहे हैं, चिप्स मांग रहे हैं, जब तक बेइज्जती नहीं करोगे कंटेंट कहां से मिलेगा, कंटेंट नहीं मिलेगा तो व्यू कहां से मिलेगा, व्यू पैसा कहां से मिलेगा, ये तो डायलॉग ही मार दिया आपने भाई। प्लीज यार हम फोटोज भी नहीं खींच रहे, हम कितने आलसी गंदे लोग हैं यार। Yeah.
किया ग्राउंड में क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो चलती रहेंगी, हमने रिफ्रेशमेंट लिया और आपको मैं दिखाऊंगी रिफ्रेशमेंट में कितनी सारी चीज़ें दी इन्होंने। माय गॉड इतनी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट की दे दी, मेरा तो पेट भी ना भरे इससे। मैं गिरते गिरते बची अभी, पता है क्यूटी बैग इसमें है, एक फैंटा या कोक में से कुछ है और एक चिप्स का पैकेट और एक छोटा वाला गुड्डे बिस्किट। ये चिप्स मिला है 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे इन्होंने। ये चिप्स का पैकेट मिला है, ओ माय गॉड। अगली साल जो भी बच्चे फ्रेशर्स के लिए आएंगे CVS में, प्लीज़ ध्यान रखें कि अपने घर से नाश्ता वाश्ता करके आए, और यहाँ पे बाहर से खाने के लिए भी आप थोड़ा सोच लें कि आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ योर गोइंग टू गेट। और सॉरी वो दिस इज़ योर गोइंग टू, दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। अच्छा दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। यार इंग्लिश पे ध्यान मत दिया करो, इमोशंस पे ध्यान दिया करो प्लीज़। ये केक मिला है, साड़ू ये मिली है, फैंटा मैंने अपने दोस्त से चेंज कर ली बिकॉज आई डोंट ड्रिंक कोक। वो एस्थेटिक एस्थेटिक प्लीज़, मैं तो करूँगी मेरा फोन। अब कंटेंट तो चाहिए ना फ्रेशर्स में, तो दिख रहा है आपको कितना कंटेंट मिल रहा है। ये मिल रहा है, ये दिस इज़ ये पता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है ये ब्लॉग्स वगैरह बनाना, ताकि जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे लाइक जो मेरे जूनियर्स होंगे जो आएंगे यहाँ पे इस कॉलेज में, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ऊँची ना हो, तो इस वजह से ये सब कॉन्टेंट बनाना पड़ता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस इस हिसाब से रख के लाइएगा। ओके गाइस, अभी हमारे लंच ब्रेक चल रहा है। इतना ज़्यादा खाना वैसे तो मैं खाऊंगी तो मुझे ब्लोटिंग हो जाएगी, पेट पूरा फट जाएगा इतना सारा खाना खा के, बट स्टिल अब क्या करें, थोड़ी एनर्जी चाहिए। बाहर वो हो रही है अभी भी परफॉर्मेंसेस, बट अभी बहुत भीड़ हो रही है और मेरे पैर बहुत दुख गए खड़े खड़े, क्योंकि बैठने के लिए चेयर्स भी मैंने आपको दिखाई थी ना स्टार्टिंग में कितनी थी, काउंटिंग की 20 चेयर्स थी ऑफकोर्स, तो सब बच्चे खड़े हुए हैं। दिखा ये है ना, इस केक को देख के खुश हो गया, कह रहा हूँ वाओ ये तो भाई क्रेजी कर दिया रिफ्रेशमेंट के नाम पे। और कैन यू इमेजिन इस रिफ्रेशमेंट के लिए, इतनी सारी रिफ्रेशमेंट के लिए इन लोगों ने हमारा आईडी कार्ड देखा, हमसे रोल नंबर पूछा, हमसे सिग्नेचर करवाए, आई कार्ड से हमारी शक्ल मिलाई और तब हमको ये रिफ्रेशमेंट का कूपन दिया। इतना क्रेजी खर्चा, माय गॉड। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जज करके मैच कर रहे हैं कि कौन सा कौन है। अभी इंटरनेशनल मैच भी कल था, बट हम तो आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। करो भाई, मैंने तो देखी नहीं है मूवीज। हेलो गाइस, भाई रिफ्रेशमेंट तक का सब गंदा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने डीजे बजाया और भाई तब इन्होंने क्या बनाई, वाइब है ना, और ऐसी वाइब बनाई कि भाई इतना मैं सच बोल रही इतना डांस मैंने आज तक कभी नहीं किया, ऐसी वाइब मेरी आज तक नहीं बनी। इन दोनों ने भाई क्या वाइब बनाई मेरे साथ, शक्ल दिखाओ भाई, इन दोनों ने क्या वाइब बनाई भाई, बेस्ट पार्ट डांस पार्टनर जिनको घोषित कर सकती हूँ मैं, बिकॉज भाई क्या भाई, थैंक यू भाई, भाई क्या भाई, इतना लव इट या आई लव यू टू गाइस, बहुत मजा आया। लाइक हमने एक इतना डांस किया, मतलब एक घंटा हमने नॉन स्टॉप डांस किया। हाँ पता है, ऐसा लग रहा था हील ही तोड़ देंगे सच में, भाई मुझे लग रहा था हम पूरे फील में थे, हील तोड़ देंगे आज। हाँ हाँ भाई, और इतना किसी को नहीं देख रहे भाई, कुछ भी हो हम अपने आप में लगे पड़े डांस में, और डीजे इतना सही सही गाने, तो वैसे हरियाणवी भी बजा रहा था थोड़े थोड़े बीच में ऐसे, पर अच्छे थे यार। हाँ बट अच्छे थे, हमें सारे आते थे, हमें घंटा गाने से मतलब नहीं, हम वाइब आ रही थी, इतनी तगड़ी वाइब भाई, बहुत मजा आया। लाइक डांस वाला पार्टी था जो बहुत बेस्ट 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 था, और लाइक इतना ज्यादा हमने डांस किया, एक घंटा हो गया पूरा। थैंक यू, मेरे क्लासमेट्स थे वो जा रहे थे, वो देख रहे टूरिज्म वाले। हाँ भाई, और लाइक लिटरली बेस्ट आज का दिन, मतलब मेरे को लगा था डांस करने के बाद शक्ल वक्ल खर, हाँ उम्मीद नहीं थी, पर ये पता डांस डीजे बंद हो जाएगा। हाँ अब पता है, मैं बताऊँ क्या,
डीजे पे डिपेंड करता है पूरा दिन कैसा जाएगा, वैसे पूरा इवेंट डीजे पे डिपेंड करता है। और डीजे वाले ने आज हम अपनी लज्जा रख ली आज, और यूनियन ने भी बचा ली अपनी वो इज्जत ये करके। यूनियन ना स्टेज पे देख रही थी, पता है मैंने देखा था यूनियन स्टेज पे खड़ो के ना देख रही थी कहीं मतलब ऐसे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, देखा वेखा कि ऐसे ज्यादा बदतमीजी ना हो और ये सब ड्रामा ड्रामा लोग खड़े हुए थे। यूनियन नाच नहीं रही थी वो, हाँ खड़े थे देख रहे थे और लाइक डिसिप्लिन भी मेंटेन रहा, इतने अच्छे अच्छे से अच्छे से गया। हमारा हमारा कॉलेज दयाल सिंह नहीं बना, हाँ ना तो सत्यवती बना। यस भाई ऐसे भाई नाम नहीं लेना चाहिए, बट अब भाई बट बट भाई ये बहुत अच्छा हुआ फ्रेशर्स का ये लास्ट पार्ट, आई लव्ड इट भाई स्पेशली आई लव्ड इट। सीवीएस ना इवेंट कैंसिल होने के लिए ना मशहूर है, मशहूर हो गया है, हमने ही कर दिया फ्रेशर्स ने। तो भाई अगर नेक्स्ट जूनियर्स आएंगे और वो इसको देख रहे हैं, अगर बाय चांस आप तक ये वीडियो पहुंच चुकी है तो गाइज इस पे पहले तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो, क्योंकि सीवीएस की इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिलती रहेगी। और आप ये याद रखना आपके टाइम पे भी हम डीजे परफॉर्मेंसेस अच्छी रखेंगे, हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके आने पे। और डीजे डीजे तक रुका करो भाई, डीजे में बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा था आज का दिन लाइक वाओ वाओ वाला। और ना मतलब मुझे लगा था कि ना मतलब मेकअप वेकअप सब धुल गया होगा, इतना पसीने वसीने बाल में पूरा स्वेटिंग हो रही है, इतना ज़्यादा ज़्यादा ख़राब हो गया होगा सब कुछ, बट अभी भी मेकअप इंटैक्ट है वाओ। सो यस आज का दिन यही समाप्त होता है, फ्रेशर्स में परफॉर्मेंसेस 5 out of 5 बिकॉज बहुत एंटरटेनिंग थी, रिफ्रेशमेंट 2 out of 5 बिकॉज ठीक है ना, और उसके बाद डांस और वाइब और लास्ट का डीजे वॉज 5 out of 5 और बहुत अच्छा था, मज़ा आया आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फोटोज नहीं आई उसका कोई गम नहीं है, इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग बिकॉज आई एंजॉयड अलॉट। एंड यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ये बोलना भूल गई तो अभी आप लाइक करना भी भूल गए हो, मतलब इतने लोग देखते हो लाइक नहीं करते हो, मतलब भाई कितना टाइम लगता है एक लाइक दबाने में, कमेंट मत करो लाइक तो कर दो, एटलीस्ट सब्सक्राइब भी मत करो भाई, तुम लोग इतने एटीट्यूड है लाइक नहीं कर रहे भाई। मैंने सोचा चलो मैं बोलना भूल जाती हूँ इतना ज़्यादा ज़्यादा उसमें एक्साइटमेंट में, तो आप लोग करना भूल जाते हो, वाओ प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यार डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर आपको सी बी एस की अपडेट्स चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट्स चाहिए, सी यू टी की अपडेट्स चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बीच बीच में सी यू टी की अपडेट्स भी दूंगी ऑफकोर्स इन कमिंग टाइम, जब क्या कहते हैं सी यू टी अब आने वाला है, 2024 का पास ही है। एंड आई नो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होगे, एंड या सी बी एस इतना ही बुरा कॉलेज नहीं है भाई लोग। बाय बाय।